कुछ भी हम कर ले अपने जीवन में, चाहे शैतान कितना भी कुछ भी चाह ले हमारे जीवन में, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। आमेन। जो यीशु की इच्छा होती है वही हमारे जीवन में पूरा होता है। आमेन। गाइए इस गीत को, गाए हम तो कठपुतली है, आगे है खुदा के हाथ। हालेलुया। चलो आज कुछ नया सीखेंगे। हाँ, हम तो कठपुतली है, धागे हैं किसके हाथ? खुदा के हाथ। हम तो कठपुतली है, हम तो कठपुतली नहीं है, हम तो उनके स्वरूप में बनाया गया है ना, यीशु मसीह के स्वरूप में बनाया गया है। आप एक बात बताओ मुझे, आपके घर में जो औलाद पैदा होता है वो आपके हाथों पर कर्तव्य नहीं होता है। जो दास या दासी रहती है आपके घर में वो आपके हाथों के कर्तव्य होते हैं। क्यों? जैसे आप कहते हो उनको करना पड़ता है, पर बेटे और बेटी कर्तव्य नहीं रहते। तो हम खुदा के कर्तव्य है नहीं, पर फिर भी हम ये गाना गाएंगे, हम तो कर्तव्य है। हाँ, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये गाना क्यों गाएंगे। अगर हम ये गाना बहुत सिंपल है, इसके गाने के लफ्ज ऐसे ही है, हम तो कठपुतली है, धागे है खुदा के हाथ, चाहता है वो जैसे होता है हमारे साथ, चाहता है वो जैसे होता है हमारे साथ। आओ गाइए। हम तो कठपुतली है, धागे है खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली है, धागे है खुदा के हाथ, कहीं जा रहा था, कहीं तो जा रहा था, और दूसरे तारों ने बोला ये खुदावन ने हमें यहाँ पर रखा है ताकि हम यहाँ पर जिल जाए, यहाँ पर हम चमके, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि खुदावन ने मुझे किसी और चीज के लिए बुलाया, मुझे जाना पड़ेगा। वो बोले तुम पागल हो गए हो, हमें यहाँ पर ही बैठे चमकना है बस, हमारा और कुछ काम धंधा नहीं है। बोले नहीं, मुझे खुदावन ने कहीं और बुलाया है, मुझे जाना होगा। जैसे वो वहां से निकल गए उनकी रोशनी बढ़ गई। जैसे आप खुदा के कलाम के अनुसार चलते हो खुदा की रोशनी आपसे जाहिर होता है, खुदा का जलाल आपके द्वारा जाहिर होता है। ये बंदा निकल गया। कभी कभी हमें लोगों में से निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारा काम वहां पर चमकना नहीं है, हमारा काम कहीं और होता है। वो बंदा गया और वो बंदा बैठा वहां पर बोला खुदा क्या करूं अभी, तुम्हें चलना होगा। अरे किस दिशा में चलना होगा वो तो बताओ, तुम जाओ तो सही, तुम्हें कहीं तो चलना होगा। उन्हें क्या पता था कि मैगियों को या राजाओं को उन्हें राह दिखाना होगा कि खुदावन का बेटा कहां पर पैदा हुआ, खुदावन का बेटा कहां पर पैदा हुआ। वो आए, राजाओं ने देखा कि तारा चल रहा है, और तारा चलते चलते वहां पर गए जहां पर दुनिया का नूर ने जन्म लिया।
और वो तारा खुश हो गया, वो प्रसन्न हो गया और बाकी तारों ने उनसे कहा, हे भाई तुमने कैसे किया ये? हम तो यहाँ पर बैठे थे क्योंकि हमें लगा था कि ये हमारा स्थान है। उन्होंने सिर्फ यही कहा होगा, और वो लाश चार दिन तक कब्र के अंदर बैठा था, चार दिन तक कब्र के अंदर बैठा था। कई लाशें थे वहां पर उस कब्र के पत्थर के पीछे से एक आवाज आ गई। ऐसे अनोखी आवाज, रोने की आवाज नहीं थी, वो खुदावन का बेटे का आवाज था जिसने उसे जन्म दिया, जिसने उसे बनाया, माँ के खोप में उसने देखा था उसे। वो खुदावन का बेटे का आवाज जब उस पत्थर को चीरते हुए अंदर आ गए, लाजरस बाहर निकला। मौत ने भी लाजरस को पीछे में रखा पर छोड़ दिया, छोड़ दिया। दूसरे लाश वहां पर बैठे हुए थे, वो बोलने लगे, मौत आपने हमको तो पकड़ कर रखा था पर इनको कैसे छोड़ दिया? उन्होंने भी यही कहा था, हम तो बदलपुर दिल्ली हैं, भागे हैं बच्ची खड़ा। मामा खड़ा जो बैठे थे वहां पर, मामा खदी जो बैठे थे वहां पर, और बच्चे का जो खड़ा बैठा था, दोनों साथ में बैठे थे, आराम से अपनी चीज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका काम था सिर्फ बोझ उठाना, बोझ उठाना, बोझ उठाना। वो बच्ची ने मम्मा के तरफ देखकर ये कहा होगा कि मम्मी क्या यही हमारी जिंदगी है? क्या बड़ा होकर मुझे आपके जैसा बनना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा? आपने आप मेरे सारे लोगों का बोझ लेकर क्या मेरी जिंदगी का कोई और मायने नहीं है, कोई और मकसद नहीं है? मम्मी ने कहा, बेटा हमारे साथ तो ऐसा ही होता आया है, हमारे साथ तो ऐसा ही होता आया, हम गधे हैं और गधे ही रहेंगे। हमें तो काम पर ही जाना पड़ेगा, हमें तो बोझ उठाना ही पड़ेगा, ये दुनिया का नियम है हमारे लिए, इससे अतिरिक्त हमारे लिए कोई और कार्य नहीं है। अरे पर कोई ऐसा आया वहां पर जिन्होंने उस बेबी बच्चे को निकाल दिया गधे को वहां से और लेकर जाने लगे। उस गधे को लगता होगा कि मम्मा ये लोग मुझे लेकर जा रहे हैं और मुझे मेरे ऊपर बोझ लगाने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकर जा रहे थे ये बच्चे को। और ये बच्चे को पता नहीं था कि कितना वजन मेरे ऊपर आने वाला था, कितना पसीना, कितना श्रम मुझे करना पड़ेगा। पर लेकर गए उस राजा के पास, उस बादशाह के पास, क्योंकि वो ऐसे जो बैठ गए उनके, उनको पता नहीं था कि लोग मेरे लिए क्यों चिल्ला रहे। वो बच्चे खड़े को ऐसा लगा कि लोग मेरे लिए अपने कारपेट बिछा रहे, यहाँ पर मेरे लिए लोग चिल्ला रहे, नाच रहे, गा रहे। पर उस गधे को नहीं मालूम था कि मेरे लिए नहीं चिल्ला रहे, गा रहे, नाच रहे, पर मेरे पीछे जो बैठा है, मेरे ऊपर जो बैठा है, उनके लिए वो नाच रहे और गा रहे और चिल्ला रहे हैं। पर उस दिन उस गधे ने जाना कि मेरी जिंदगी में सिर्फ खड़ा बनकर रहना नहीं है, पर
जब यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे सारे अस्तित्व, मेरी पहचान बदल जाती है। आमेन। और वापस आकर मम्मी से कहा होगा, मम्मी आपको पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। और सिर्फ यही कहा कि हम लोगों के कठपुतली नहीं है, हम तो सिर्फ खुदावन के कठपुतली है। और जब वो हमें इस्तेमाल करता है तो वाह वाह ही होता है और परिश्रम का कोई सवाल नहीं होता है। आमेन। कुछ ऐसे उगते हैं जिनमें गुलाब होता है, जिनमें अच्छे अच्छे सुगंध देने वाली फूल होते हैं, पर कुछ ऐसे उगते हैं जिनमें जहरीले कांटे पैदा होता है, बड़े बड़े जहरीले कांटे पैदा होता है। और ये भी खुदावन का ही ये सृष्टि है, किसी और ने नहीं बनाया, क्योंकि कर्ता धर्ता सृजनहार पालनहार वही है, सब कुछ वही है। ये जहरीले कांटे को लोगों ने निकाला, लोग एक मुकुट के मापे उनको बनाने लगे। ये जहरीले कांटे ने खुदावन से कहा, हे खुदावन, आपके बेटे के जिसने हमें बनाया उनके सर के ऊपर हमें नहीं बैठना है। हे खुदावन, हम उनके सर के अंदर कैसे चले जाए जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें रचाया, उनके सर से हम खून कैसे निकाल सकते हैं जिन्होंने हमारा कर्ता धर्ता है। हम तो इनकी पूजा करते, इनकी सेवा करते, इनकी गुणगान गाते, पर इनके सर पर कैसे बैठ सकते हैं। खुदावन ने कहा ये होना जरूरी है, क्योंकि जब आप इनके सर पर बैठ जाओगे मेरे लोगों के जीवन से शराब निकल जाएगा, मेरे लोगों के जीवन से छुटकारा मिलेगा, उनके टेंशन खत्म हो जाएगा। आपको बैठना जरूरी है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे कुछ चीजें आते हैं जो हमें पता नहीं है कि ये जहरीले कांटे हमारे जीवन में क्यों है, पर उनका होना जरूरी है, क्योंकि खुदावर ने कहा है कि हमें कुछ और बड़ा काम करना है। जब लोग पत्थर मारते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके झाड़ में फ्रूट्स आ रहे, फल आ रहे। अगर आपके झाड़ में फल नहीं है, लोग पत्थर नहीं मारेंगे। तो इसलिए ये कांटों ने कहा कि क्या करें खुदावन, अगर आपने डिसाइड किया तो हम तो केवल कठपुतली है, हम तो कठपुतली है, आगे है खुदा के झाड़ को काटा गया था, उनके सारे क्या बोलते पत्ते को काटा गया था, उनके सारे हरियाली को निकाल दिया गया था। और ये झाड़ सोचता रहेगा कि मेरा क्या खुदावन, मैं तो यहाँ से अच्छे से फल फूल रहा हूँ, मतलब अच्छे से मेरे जगह पर रह रहा हूँ। खुदावन ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई और बड़ी कार्य है। उस झाड़ से कहा कि तुम्हारे लिए और कोई बड़ी कार्य है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर झाड़ियों के बीच में बैठकर नहीं रहना है, तुम्हें किसी और को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उस झाड़ को लिया गया था, उस झाड़ को एक क्रूस के समान बनाया और उस झाड़ को यीशु मसीह नासरी के कंधों के ऊपर बिठाया था और उनको कहा कि तुम्हें बनाने वाले के ऊपर तुम्हें बैठना होगा और फिर तुम्हें उसको ही उठाना होगा, उनको ही उठाना होगा, वो आपके ऊपर टंगे रहेंगे। उस झाड़ ने कहा, अरे खुदावन मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, अरे ये तो इसने मुझे बनाया और इनको मैं अपने ऊपर रखूंगा,
खुदावन ने कहा ये होना जरूरी है क्योंकि इसके द्वारा मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे और जमीन आसमान को एक करने वाले ये झाड़ ने कहा कि खुदावन ऐसा ही होने दो कि ये क्रूस के द्वारा सारे अन्य जाति प्रभु के संतान बन जाए और उसने ये गाया होगा तो मत ऐसा सोचो कि अभी पीछे हो गए इस बार
ठीक है, चलो आओ खुदावन खुदा की हुजूर में हम आराधना करते हैं। थोड़ा उनके जब भी यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा प्रकाशित वाक्य, उन्होंने कहा कि जब मैंने वो सिंहासन को देखा, वो जो सिंहासन के ऊपर बैठा था उसकी रोशनी ऐसी थी कि बयान नहीं कर पाया, और सदा सर्वदा के लिए वो 24 प्राचीन जो है, 24 जो बुजुर्ग है, वो गिरते जाते, सजदा करते जाते, सजदों पे सजदे करते जाते। मैं बोलता हूँ वो बार बार गिरते हैं अपने सिंहासन से। वो लोग अपने सिंहासन को छोड़ कर नमन करते हैं या पूजा करते हैं। क्यों? वो लोग बैठ नहीं सकते एक जगह पर। खुदावन इतने खूबसूरत है, इतने प्यारे है, इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली, इतने चला उनका ऐसे खूबसूरत है कि वो लोग एक जगह पे बैठ नहीं सकते। मेरे दिल में यही सवाल होता था, वो बार बार गिरते हैं तो बैठते कब है, किधर से गिरते हैं? अगर गिरे हुए हैं ऑलरेडी, और किधर गिरेंगे? पर वो बैठ नहीं सकते, वो उठते कि अभी और देखें, जैसे देखते वापस से गिर जाते हैं, वापस से उठते देखते फिर वापस से गिर जाते हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि खुदावन से वो इतने प्यार करते हैं। एक बार अगर आपने यीशु मसीह को चख लिया ना, बस उनके प्यार में मदहोश हो जाओगे जिंदगी भर। ऐसे नहीं होता है, ये जो मदहोशी है ना, वो निकलती नहीं है। एक बार चढ़ जाती है वो उतरती नहीं है। ऐसे हम दीवाने हो जाते हैं यीशु मसीह के, ऐसे हम मगन मसरूर सब कुछ हो जाते हैं उसके लिए, सब कुछ हो जाते हैं। और ऐसे प्यार करने वाला, हम उससे प्यार इसलिए करते क्योंकि जैसा उसने हमसे प्यार किया और कोई प्यार कर ही नहीं सकता, और कोई प्यार कर ही नहीं सकता ऐसे गहरे प्यार से उसने हमसे प्यार किया। तो हमें उनके ख्यालों में हर दम मार्ता वो थे जो बना रहे थे यीशु मसीह के लिए। क्यों? यहूदियों में जब मेहमान आते थे तो मेहमान नवाजी करना जरूरी है, तो कुकिंग कर रहे थे, चिकन बना रहे थे, अंडे बना रहे थे, भाजी सब्जी वगैरह बना रहे थे। क्यों? यीशु मसीह हमारे घर पे आए, और मरियम तू आराम कर रही है, तू सिर्फ बैठ के भाषण सुन रही है। पर मरियम के लिए वो भाषण नहीं था, मरियम के लिए वो सब कुछ था। और यीशु मसीह ने कहा, हे मार्ता सुन, मरियम ने जो चुना है वो उचित है। मरियम ने जो चुना वो तो अब करते रहोगे, खाना वाना होता ही रहेगा, पर यीशु मसीह के चरणों में बैठना, उसमें मदहोश होना, उसमें मगन होना बहुत कम लोग करते हैं। यही मरियम वो है जो बाद में आई और यीशु मसीह के चरणों पर गिर गई और रोने लगी। आमीन। यीशु मसीह के दीवाने थे। वैसे ही खबर भी नहीं है।
जितने हम प्यार करते हैं खुदावन्द खुदा यीशु मसीह से, क्योंकि उसने जान अपनी कुर्बान कर दी। वो लकड़ी पे लटका था, वो मेरा नासरी था, वो कुदूस कुदूस पवित्र पवित्र खुदा था, और मेरे लिए वो पाप बना था कि मैं पाप बनूं, वो मेरे लिए गुनाह बना गुनहगार बना ताकि मैं रास्पास बनूं, ताकि मैं पवित्र बनूं, ताकि मैं आपकी धार्मिकता बनूं। इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना इश्क हमसे करने वाला और कोई नहीं खुदा कि अपने इकलौता बेटा